हेलो फ्रेंड्स जीएस रोशन में आपका स्वागत है अभी आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ दोस्त आर रांची जिसका लेवल फाइव का दो दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें कुछ और लड़कों को ऐड किया गया है तो उस पर भी बात करेंगे पहले इस नोटिस को देखते हैं जो आज की डेट में नोटिस आई है क्या है नोटिस चलिए बात करते हैं शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्टिंग लेवल फाइव लेवल फाइव के जितने भी छात्र शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनका डीवी का और मेडिकल का शेड्यूल आ गया है तो उसी से रिगार्डिंग यह वीडियो है आगे बात करते हैं कि क्या क्या है इस वीडियो में क्या क्या इस लिस्ट में क्या क्या नया हुआ है क्या क्या चाहिए उस पर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डी फॉर वेरियस पोस्टिंग लेवल फाइव वाइज पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आर ऑन बाईस नवंबर 2022 और 24 नवंबर 2022 हज़ार बाईस नवंबर का डेट इसमें इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि 24 नवंबर के डेट में आज पांच लड़कों या छह लड़कों को इसमें डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है वो वैसे छात्र थे जो कि कट ऑफ पार कर चुके थे पर किसी कारणवश बोर्ड की गलती से उनका इस लिस्ट में नाम नहीं था तो उनका भी डीवी शेड्यूल कर दिया गया है अगला है फर्दर टू द दबव कैंडिडेट विद द रोल नंबर गिवन बिलो फॉर वेरियस पोस्ट लेवल फाइव आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर

छात्रों को जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एडवाइस दी जा रही है कि शेड्यूल के अनुसार डेट और टाइम जो मेंशन किया गया है उस पर ऑफिस ऑफ रेलवे आरआरबी रांची रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स रांची में आपको उपस्थित होना है आगे इसमें बात करते हैं रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स रांची आगे है थर्ड पॉइंट एस एम एस ई मेल अलर्ट आर बिंग सेंड टू कैंडिडेट कैंडिडेट को एस एम एस या ई मेल के माध्यम से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ई मेल आई डी है उस पर ई कॉल लेटर आर आर बी के वेबसाइट से डाला जाएगा आगे द कैंडिडेट कॉल फॉर चौथा नंबर पॉइंट है द कैंडिडेट कॉल फॉर डी वी जिस भी कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट बुलाया जा रहा है शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है अलोंग विथ टू सेट्स ऑफ फोटो और जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी दो सेट बना के लेके आना है इन ए साइज ए साइज पेपर पर डिटेल इन द सेंट्रलाइज नंबर एंड ई कॉ इश्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे पॉइंट नंबर फाइव इसमें क्या है कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग सिक्स पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ छः कलर छः पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ ले के आना है टाइम है उसका नॉट मोर देन वन मंथ ओल्ड एक महीना से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए तो जो भी छात्र आ रहे हैं वो मिनिमम सिक्स पासपोर्ट साइज फोटो लेके आएंगे कलर फोटोग्राफ जो कि एक मंथ पुराना होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग कैंडिडेट फाइल ऑफ इक्वल लेटर ऑफ सीविटी वन सीविटी टू एंड सी बी टी एस टी वे एप्लीकेबल तो इसमें है कि ई कॉल लेटर सीवीटी वन सीवीटी टू और जो टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आया था उसका ई कॉल लेटर आपको लेके आना है तो वो आप लोग जरूर लेके आइएगा पॉइंट नंबर सिक्स पे बात करते हैं इसमें क्या कुछ नया है इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नाम नेम या फादर नेम देखिए किसी भी कैंडिडेट का अगर उनके नाम में उनके फादर नेम में या कहीं भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कहीं भी डेट ऑफ वेरिफिकेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट एफिडेविट तो उनको एक कहा गया है कि एफिडेविट e. लेके आना है किससे लेके आना है तो मजिस्ट्रेट या नोटरी या रिक्वायर्ड स्टाम्प पेपर तो उनको जिसका भी नाम में कोई प्रॉब्लम हो सर्टिफिकेट में फादर नेम खुद के नाम में या कोई भी डॉक्यूमेंट में नाम में प्रॉब्लम है तो वो एक ऑफी डिफीट करवा के लाएंगे पॉइंट नंबर सिक्स वही आपका पॉइंट नंबर सेवन में नो एडिशनल टाइम विल बी गिवेन टू द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखिए जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले नहीं आ पाएंगे या उससे संबंधित आईफी अपने शेड्यूल डेट जब उनका डीवी का डेट है उसमें अगर ले नहीं आएंगे तो उनको कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा तो इसलिए सभी कैंडिडेट को रिक्वेस्ट है कि आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जिसमें भी प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट में अपने नाम में फादर के नाम में तो आप जरूर लेके आइएगा एक गलती कीजिएगा आपको आगे टाइम नहीं दिया जाएगा सुधार करने के लिए पॉइंट नंबर एट है द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डीवी डीवी के अगले दिन आपका मेडिकल होगा एट एनी ऑफ द रेलवे हॉस्पिटल किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में आपको डीवी के बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी आपका जब डी कंप्लीट हो जाएगा द कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड अबाउट द हॉस्पिटल वेयर दे विल हैव टू मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब डी के अगले दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा नाइन नंबर पॉइंट है कैंडिडेट हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फी मेडिकल फी वही चौबीस रुपया जो है उस वो आपको मेडिकल के पहले आपको चौबीस रुपया जमा करना पड़ेगा देर इज नो अदर चार्ज कोई अदर चार्ज आपको मेडिकल में नहीं देना है आगे है जिसमें आगे इन रेयर केस वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक सी टी स्कैन अल्ट्रासाउंड टेस्ट अप्रूवल आउट रिफ्लेक्टिव आई सर्जरी एटसेट्रा हैव टू बी कैरिड आउट फॉर विच नेसेसरी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द रेलवे हॉस्पिटल या हेल्थ यूनिट देन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन कैंडिडेट मे हैव टू मेक द रिक्वेस्टिंग पेमेंट टू द कंसर्न लेबोरेटरी या हॉस्पिटल तो आपको चौबीस रुपया ही देना है उसके बाद नो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वही सब संबंधित है नाइन नंबर पॉइंट में आगे दसवा नंबर पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से क्या है इसमें द कैंडिडेट ऑफ ऑल द दिस्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो प्रोविजनली सिलेक्ट किए गए हैं एंड इज लाइवल टू बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज ऑफ अदर वी रिक्रूटमेंट ऑफ देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी डिफिशियंसी डिस्परेंसी डिटेक्टेड वही है कि अगर आपका किसी भी स्टेज में पता चलता है कि आप गलत है तो आपको रेलवे आपके रिजल्ट को कैंसिल कर सकती है दस नंबर पॉइंट वही है कुछ नहीं है खास अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है जानना सभी छात्रों के लिए इसमें ब्लॉक डेट दिया गया है क्या ब्लॉक डेट फॉर डी वी का जो एबसेंट कैंडिडेट होंगे उनको तेईस दिसंबर दो हजार बाईस को आपका ब्लॉक डेट है उस डेट में इट मस्ट बी नोटेड डेट फेलियर टू रिपोर्ट फॉर जो शेड्यूल डेट था उसमें आप क्यों नहीं आ इसका rejection of unless it is supported by documentary. आपको करना है है कि उस में block date में आना आपका हो जाएगा। लेकिन आप अपने जो आपका जो शेड्यूल किया गया था डीवी का डेट उसमें आप क्यों नहीं आ पाए उसका आपको ठोस कारण देना पड़ेगा उसके लिए आपको नो फ्रेश कॉल लेटर विल बी इश्यू फॉर ब्लॉक डेट ब्लॉक डेट के लिए कोई नया फ्रेश लेटर जारी नहीं किया जाएगा आगे देखते हैं क्या शेड्यूल इस पर भी देख लेते हैं ये आपका शेड्यूल है वेन्यू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स चुटिया रांची तो देखिए यह वही चुटिया जगह है जहाँ की आरआरबी का ऑफिस है चुटिया में वहीं इस आर का ऑफिस है वहीं इसका मेडिकल होता है तो जो भी छात्र पहली बार रांची विजिट कर रहे हैं तो देखिए रांची स्टेशन से आपको वहाँ बहुत ही नज़दीक है मिनिमम मैक्सिमम एक किलोमीटर होगा सात आठ सौ मीटर से ले कर एक किलोमीटर तक चुटिया ऑफिस है आपका तो आप लोग आराम से आइए अपना डी वी कराइए क्योंकि हम वहाँ पहले करवा चुके हैं तो इसके लिए बता रहे हैं कि एकदम 800 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा एक किलोमीटर मैक्सिमम होगा तो आप लोग आराम से आइए आर स्टेशन के जस्ट बगल में आर आर जो है रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही है अब देखते हैं कब से डी शुरू है कब तक डी ख़त्म है तो देख सकते हैं सीरियल नंबर वन स्टार्ट होता है जो पाँच दिसंबर से शुरू हो रहा है रिपोर्टिंग टाइम साढ़े नौ बजे है नाइन थर्टी और यह आपका जो ख़त्म होगा वह आपका बाईस तारीख को जाके ख़त्म हो रहा है बाईस दिसंबर दो तक का शेड्यूल जारी किया गया है इसके अलावा जो भी छात्र जो इस अपने शेड्यूल में नहीं आ पाएंगे डी करवाने उनका उनको ठोस कारण देने के बाद उनका डी लिया जाएगा ब्लॉक डेट में जो कि है तेईस दिसंबर 2022 को तो फ्रेंड्स एक और नोटिस है उसके बारे में भी बात करते हैं और बात करते हैं आर के एक और दूसरी नोटिस जो कि आज ही की डेट में जारी की गई है तो बार बार मेरे YouTube चैनल पे भी कमेंट आ रहा था कि सर मेरा कट ऑफ क्लियर है फिर भी मेरा इस प्रोविजनल पैनल में नाम क्यों नहीं है तो देखिए जिनका भी नाम नहीं था उनका वो आर का मिस्टेक हो सकता है तो वो आज क्लियर कर दिया गया है पे लेवल फाइव में उनको भी जो उस दिन मिस्टेक था उसको सुधारा गया है और डीवी के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है ऐसे कुल तीन दो पाँच कैंडिडेट है तो ऑल अदर इन्फॉर्मेशन इशू वीडियो भाइड नोटिस डेट बाईस ग्यारह सब कुछ सेम है बाईस वाला बस ही पाँच को उसमें ऐड किया गया है तो यही पाँच में वो भी होंगे जो मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा कटअप पार होने के बाद भी नहीं हुआ है तो यही आज नोटिस आया जो कि आर आर सब रांची का डीवी शेड्यूल किया गया है यही यही इंपॉर्टेंट नोटिस है इसमें सब कुछ वही है जो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है मेरे वीडियो में वही लेके आपको जाना है इससे पहले डॉक्यूमेंट का वीडियो कल आ चुका है आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और खूब शेयर कीजिए थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में